साइलेंट किलर, ये महाराज, ये काफी काटने वाला। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का रेस्क्यू कॉल आया था मुझे मेरे ही गांव टांडा मानसिंह से, और गाइस ये देख सकते हैं आप, इंडियन कॉमन क्रेट स्नेक। ये देख सकते हो आप, इंडियन कॉमन क्रेट, भारत का सबसे जहरीला सांप। ये देख सकते हो आप, इसकी पहचान देख सकते हो, ये भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ये रात को बिस्तर पर चढ़कर बाइट करता है, ये देख सकते हो आप। अरे बड़ा सा दे दो थोड़ा सा, बाद में इससे तो होने के भी नहीं है, तो लोग वाला भी नहीं है। मैं कर दूंगा, रुक जाओ रुक जाओ। अरे मैं कर दूंगा, तुम बड़ा कर दोगे, रख दो तुम। चलो बेटा चूल्हे पर बड़ा लंबा फिर होया, इन तीन चक्कर कटने चूल्हे पर ही। बिस्तर पे चढ़ा काट लेगा तू, ये बिस्तर पे चढ़ के काटते है वो। मैं बिस्तर पे चढ़ के, चलो अब तो बहुत हो गया, मन नहीं करता के जाने का। सब भी खाओगा, मिंडक खाओगा। चलिए चलते हैं जंगल की ओर इसको आजाद करने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। हाँ तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मोंड के जंगल में, और आप देख सकते हैं ये जंगल मोंड का, और हम यहाँ पे चार सांप लाए हैं, जो कि हमने दो सांप टांडा मानसिंह गांव से रेस्क्यू किए थे, और एक घोड़ा पछाड़ सांप ये हमने बिहारीगढ़ से रेस्क्यू किया था, और एक ये चेक रेड किलबैक ये हमने बुधवासिद गांव बुधवासिद से रेस्क्यू किया था। चलिए गाइस, इन्हीं सभी सांपों को हम करते हैं जंगल में आज़ाद, और हमारे पास दो हैं इंडियन कॉमन क्रेट, जो कि भारत के सबसे जहरीले सांप हैं। चलिए इनको सबको अभी करते हैं हम जंगल में आज़ाद, बने रहे वीडियो में, तब तक के लिए। सबसे पहले हम छोटा कॉमन क्रेट को करते हैं जंगल में आज़ाद। ये देख सकते हो आप, भारत का सबसे जहरीला इंडियन कॉमन क्रेट, साइलेंट किलर, ये रात में ही बाइट करता है और रात में ही बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हैं, अभी इसको हम करते हैं जंगल में आज़ाद। चलिए गाइस, ये अपने पर्यावरण में जा रहा है, और गाइस ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इंडियन कॉमन क्रेट, ये थोड़ा बिग साइज का है, ये इसका फुल साइज होता है, आप देख सकते हैं ये फुल साइज है। इसी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है,
यही रात को बिस्तर पर चढ़कर बाइट करता है और इसके काटने का पता भी नहीं चलता, इतना साइलेंट तरीके से काटता है ये, आप देख सकते हो। चलिए गाइस इसको भी हम करते हैं अभी जंगल में आज़ाद। आप इसकी पहचान देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का होता है और इस पर वाइट वाइट ये धारी होती है लकीरें, और आप इसको देख सकते हैं कुछ जगहों पर इसको बंदे वाला सांप से, सांप के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, इस सांप से सावधान रहें और हमारी कॉपी ना करें, ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। चलिए गाइस इसको भी हम करते हैं जंगल में आज़ाद। ये इसका कॉमन क्रेट का फुल साइज है, ये इससे ऊपर नहीं होता है। चलिए गाइस इसको भी हम करते हैं जंगल में आज़ाद, ये भी अपने पर्यावरण में जा रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ तो गाइस हमने दो कॉमन क्रेट जंगल में आज़ाद कर दिए हैं और अब बारी है चक्रेड किलबैक, जो कि वाटर स्नेक, हिंदी में पानी वाला सांप के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में चक्रेड किलबैक के नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस इसको भी हम करते हैं जंगल में आज़ाद। ये काफ़ी काटने वाला नॉन मिनिमस, बिना जहर का काटने में इतना माहिर है ये आप देख सकते हो, काफ़ी बिग साइज का है ये, इसका फुली साइज होता है। तो गाइस ये भागने की फिराक में है, चलिए इसको हम कर देते हैं जंगल में आज़ाद। ये देख सकते हो ये अपने पर्यावरण में रिलीज हो चुका है। और गाइस अब बारी है घोड़ा पछाड़, जो कि इंग्लिश में रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है, जो घरों में चूहा पकड़ने आता है। और गाइस ये देख सकते हैं यही घोड़ा पछाड़ के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में कई जगहों पर इसको धामन के नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस इसको भी हम करते हैं जंगल में आज़ाद। ये हमने गांव बिहारीगढ़ से पकड़ा था और आप देख सकते हैं काफ़ी फुर्तीला और नॉन मिनिमस, ये बिना जहर का होता है। इसकी स्पीड बहुत होती है, ये आप इसकी पहचान देख सकते हैं, ये बीच में से मोटा होता है। ये देखो ये गुस्सा आने पर बाइट करता है, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं होता है। चले गाइस इसको भी हम कर देते हैं जंगल में आज़ाद। लगभग ये 5.5 फीट का है, तो गाइस इसको भी हम कर देते हैं जंगल में आज़ाद। ये देख सकते हैं ये अपने पर्यावरण में रिलीज हो चुका है। तो गाइस आपने देखा हमने चारों सांपों को जंगल में आज़ाद कर दिया है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, गाइस थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।